ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड विवेकानंद अकेडमी। दोस्तों, मैंने पूर्व के वीडियो में आर्टिकल्स टॉपिक के ए, एन और दा को क्लियर किया है। जैसे कि आप यहाँ एक हल्के से प्रोफाइल चित्र से देख रहे हो कि आर्टिकल्स में ए, एन और दा को डिस्कस किया जाता है, पर दा के इन तीनों के अलावा बहुत सारे एग्जामों में नन और सरल भाषा में नन ओब्लिक क्रॉस, ओब्लिक से तात्पर्य है, ओब्लिक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं या। कई जगह इसे नन के रूप में जाना जाता है, कई जगह एकेडमिक क्लासों में क्रॉस के रूप में जाना जाता है। तो कुछ संज्ञाएं ऐसी है जो अपने से पहले ए का प्रयोग करवाती है, कुछ एन का करवाती है, कुछ दा का, परंतु कुछ संज्ञाएं ऐसी है जो अपने से पूर्व इन तीनों में से किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करवाती। दोस्तों, ऐसी संज्ञाओं से पूर्व अपन नन या क्रॉस का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले मैं उन निम्नलिखित संज्ञाओं को एक एक करके डिस्कस करूंगा। जनरली आर्टिकल्स में अधिकांश वीडियो में, कोचिंग क्लासों में, स्कूलों में, एकेडमिक क्लास के, चाहे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कोई से भी स्टैंडर्ड पे अपन देखते हैं, 10th, 12th स्तर पे, ए एन डी को ही टीचर अपने टीचिंग का विषय बनाता है, नन या क्रॉस को कम पढ़ाते हैं। लेकिन मैं किसी भी टॉपिक को परिभाषा से चालू करता हूँ दोस्तों, और उसके लास्ट, क्योंकि पूरा ज्ञान हमेशा आदमी को कंप्लीट बनाता है। आज अपन वो संज्ञाएं देखेंगे जिनसे पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल्स का नहीं होगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन या किसी अन्य शब्द का होगा, परंतु आर्टिकल्स का नहीं होगा दोस्तों। इसमें पहला रूल्स, पहला नॉर्म्स अपन देखते हैं, व्यक्ति। दोस्तों, परिवार से ढाणी बनती है, ढाणी से गांव बनता है, गांव से पंचायत, पंचायत से तहसील, तहसील से जिले, जिलों से राज्य, राज्यों से देश, देश से अपना संसार बनता है, संसार से ब्रह्मांड बनता है। इसको याद करने का अपना यही ट्यून रहेगा, व्यक्ति से शहर बना, शहर से राज्य, राज्य से देश बना। तो कभी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति, शहर या राज्य या देश के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल्स काम में नहीं लेते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल्स लिए, राम मोहन से पहले भी क्रॉस है, जयपुर एक शहर है, कोटा एक शहर है, ये व्यक्ति के नाम थे, ये शहर के नाम है, इनसे पहले भी क्रॉस है। राज्य कोई सा भी हो, मर्जी में जी आए, गुजरात, बिहार, राजस्थान, राजस्थान बिहार का अपने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इसके अलावा एमपी लो, यूपी लो, कोई सा भी लो, देश कोई सा भी हो, अपने इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया है, परंतु इसके इन दो देशों के अलावा भी कोई सा भी देश हो, हमेशा अपन क्रॉस या नन का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन पुटअप किया जाता है तो व्यक्ति, शहर या देश या राज्य से पहले हमेशा क्रॉस काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपना रूल्स है अगला, कृषि पदार्थ, खाने पीने की चीजें, खनिज पदार्थ, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, माइका, मैगनीज, कोई सा भी हो, तरल पदार्थ, इनसे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल्स, न ए का यूज होगा, न एन का, न दा का, तो ऐसी स्थिति में फिर अपन नन या क्रॉस यूज करेंगे। जो मैंने यहाँ दो दो एग्जाम्पलों से समझा रखा है, विट और राइस खाद्य पदार्थ है, विट मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, इनसे पहले भी कोई आर्टिकल्स नहीं आ रहा। ठीक ऐसे जी में आए जो जितने उदाहरण हो, लेकिन अपन ने एक एक दो दो एग्जाम्पलों से अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। वाटर से पहले क्रॉस आ रहा है, मिल्क, ये तरल पदार्थों में काउंट आता है, पेट्रोल, डीजल, ऐसी कोई सी भी चीज़ों। नेक्स्ट इससे आगे दोस्तों, जो अपनी भाषाएं हैं, रूस, रशियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, भाषाओं से पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर ने दो भाषाओं के एग्जांपल्स लिए, हिंदी और इंग्लिश। और विषय, विषय पढ़ने के, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो ऐसे ही दो एग्जांपल अपन ने संस्कृत के और फिजिक्स के लिए। भाषाओं और विषयों से पूर्व भी कभी कोई आर्टिकल्स काम में नहीं आता, तो अपन वहाँ क्रॉस यूज करते हैं। इससे नेक्स्ट अगर अपन आगे चले मित्रों, तो बीमारियों और खेलों के नाम से पहले, खेल कोई सा भी हो, यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल का अपन ने एग्जाम्पल लिया है, इसके अलावा भी आपका कोई सा भी, चाहे प्रो कबड्डी जो हम अपने संस्कृति के खेल, खो खो वगैरह, या चाहे कोई सा भी खेल हो, रग्बी, फुटबॉल हो, इंटरनेशनल गेम कोई सा भी हो, कैरम हो, कोई सा खेल, उससे पहले क्रॉस ही आएगा। और बीमारियाँ कोई सी भी हो, कैंसर है, मलेरिया है, और कोई सी बीमारी, उन सबसे पहले भी अपन नन, इट मीन्स कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, न ए, न एन, न दा, यहाँ क्रॉस का प्रयोग होगा। दिन, दिनांक, महीने और समय से पूर्व भी कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। आप अपने एग्जाम्पल्सों में देख रहे हो, मंडे, फ्राइडे, संडे, इनसे पहले हमेशा, क्योंकि इनसे पहले ओन प्रीपोजिशन काम में आता है। जब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का लेंगे, तो वहाँ देखेंगे जुलाई, डेट वगैरह जो आती है, इनसे भी पहले ओन प्रीपोजिशन आता है, मार्च वगैरह, जून वगैरह, इनसे पहले इन प्रीपोजिशन काम में आता है। और समय कि दो इकाइयां अपने यहाँ लिए, 7 PM, 7 AM और 5 PM, इनसे पहले भी क्रॉस आ रहा है, क्योंकि समय से पूर्व एट आर्टिकल्स अपन काम में लेते हैं। इसलिए
आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिन दिनांक महीने और समय से पूर्व कोई आर्टिकल्स काम में नहीं आता, यहाँ इन सबसे पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसके ठीक आगे अपन देखते हैं दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिगत गुणों से पहले भी अपन कोई भी आर्टिकल्स काम में नहीं ले सकते, इट इज आवर लिमिट, ये हमारी सीमाएं हैं। काइंडनेस एक भाववाचक संज्ञा है, नन आर्टिकल्स आ रहा है, क्रॉस इट मीन्स ऑनेस्टी ईमानदारी, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ब्यूटी और जस्टिस किसी व्यक्ति की पहचान होती है, तो ये भी एक अपने व्यक्तिगत गुणों में आते हैं, तो इनसे पहले भी मैंने यहाँ क्रॉस का प्रयोग किया है दोस्तों। तो जो व्यक्तिगत गुणों भाववाचक संज्ञा है उनसे पहले भी क्रॉस। भोजन के नाम से पूर्व सुबह से अपन शाम तक के जो ब्रेकफास्ट लंच दिन में लिया जाने वाला लंच ब्रेकफास्ट प्रातःकाल डिनर सफर रात्रि का सबसे लास्ट का भोजन उससे पहले भी क्रॉस ही आता है। रंगों के नाम से पहले रेड ब्लैक व्हाइट तीन एग्जाम्पल दिए, रंगों के नाम से पहले भी किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर किसी सेट जैसे रेड सेट की बात चल रही है तो वहाँ प्रॉपर सेट की बात चल रही है तो द आर्टिकल्स काम में आ सकता है, पर ऐसे नहीं किसी प्रॉपर रंग की चर्चा हो रही है तो वहाँ पर क्रॉस ही काम में लेंगे। पर्वत शिखरों के नाम से पूर्व भी जितने भी पर्वत सिंगल पर्वत पर्वत श्रेणियों का एक समूह हिमालयाज, हिमालयाज में कई श्रेणियाँ आ जाती है तो वहाँ द आएगा, परंतु सिंगल पर्वत एवरेस्ट है क्रॉस का ही प्रयोग होगा। माउंट आबू सिंगल पर्वत है तो यहाँ भी क्रॉस का ही प्रयोग होगा, ये एक अपवाद भी है। ऋतुओं के नाम से पहले जनरली लोग द विंटर द समर यूज करते हैं, पर जितनी भी ऋतुएं हैं दो एग्जांपल मैंने यहाँ लिए, इनके अलावा भी स्प्रिंग वगैरह और कोई सा भी ऋतु अपन देखते हैं तो उनसे पहले क्रॉस होता है। तो दोस्तों जनरली ग्रामर में अधिकांश टीचर क्या करते हैं कि बिना रूल्स रेगुलेशन के ग्रामर को एग्जाम्पलों से उदाहरणों से पढ़ाते हैं। उदाहरणों से बच्चों का लेवल इतना होता नहीं है कि वो उदाहरण से कोई चीज़ को क्लियर कर ले, इसलिए मैंने छोटे छोटे इजी नियम आपको दिए ए एन और दा में और फिर लास्ट में नन नन के प्रयोग में। उसके बाद मेरे नोट्सों में इन सबको प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज लिखा गया है बिना किसी त्रुटि के, और बहुत सारी एक्सरसाइजें दे रखी हैं। जी में आए जितनी मर्जी एक्सरसाइज करो, पर मैंने एक 10 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज रिमिक्स एक्सरसाइज यहाँ भी डाली है, चलते चलते अपन इस एक्सरसाइज को देखेंगे। नॉर्म्स और रेगुलेशन से कोई चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर करते हैं वो लॉन्ग लीव चलती है। अगर आपको ये रूल्स क्लियर हैं तो अब आप किसी भी टीचर का एग्जाम्पल भी समझ सकते हो। अब चलते हुए एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है रिक्त स्थान हिमालयाज आर इन द नॉर्थ इन इंडिया, तो द हिमालयाज क्योंकि श्रेणियों का एक पर्वत है पूरा, नॉर्थ अपनी स्थायी और निश्चित दिशा है तो द आ रहा है। सी इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रिक्त स्थान जोधपुर, जोधपुर एक शहर का नाम है। अभी अभी अपन ने देखा था कि शहरों के नाम से पहले नन आएगा क्रॉस आएगा, तो क्रॉस का यूज कर रहे हैं। चाहे इनको ऑप्शंस में ए बी सी डी में चार ऑप्शंस आए तो भी यही प्रयोग होना है। आर्टिकल्स अगर आपको आ गया उसको किसी भी तरीके से पूछे, पाँच छः आर्टिकल्स तीनों चारों आर्टिकल्स एक जगह दे दिए, पाँच छः सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें आपको करेक्ट आर्टिकल्स फुलफिल करवाए तो भी यही फॉर्मूला रहेगा। इस रूप में एक्सरसाइज है तो भी यही फॉर्मूला रहेगा। अगर बच्चे को रूल्स रेगुलेशन क्लियर हो गए तो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर सकता है। यूनिवर्सिटीज पहले ए इसलिए आया क्योंकि इसका हिंदी का उच्चारण हिंदी के यू के समान हो रहा है। मिल्क खाद्य तरल पदार्थों में आ गया तो क्रॉस का प्रयोग हो रहा है, हिंदी से पहले भी क्रॉस क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा भाषाओं और विषयों से पहले। इजी यहाँ एन का प्रयोग हो रहा है क्योंकि स्वर से चालू होने वाली संज्ञा है। रामायण धार्मिक पुस्तकों का नाम है, पिछले वीडियो में देखा किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तकों से पहले द का प्रयोग होता है। होली इसका उच्चारण है से हल व्यंजन के समान है, ए आएगा होली बुक। और हिंदूज एक वृक्ष संप्रदाय समुदाय यस, तो उससे पहले दा का प्रयोग होगा। ये पिछले वीडियोज में अपन ने दा को क्लियर किया था, दिल्ली एक शहर का नाम है इसलिए इससे पहले क्रॉस। अभी अभी अपन ने देखा है शहर के नाम से पहले जमुना एक नदी है अपनी रिवर है उससे पहले दा, नदियों के नाम से पूर्व अपन ने दा आर्टिकल्स पढ़ा था पिछले वीडियो में। ही ब्रोट एन एप्पल, यहाँ एन आएगा क्योंकि एप्पल स्वर से चालू है। वीट खाद्य पदार्थ है तो इसलिए क्रॉस का प्रयोग हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। ऑनेस्ट चालू तो ऐसे है पर इसकी ध्वनि अपने ओके समान आ रही है इसलिए एन का प्रयोग होगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद आपका एक शहर है इसलिए पहले जेन्यून बनता है यहाँ पे क्रॉस क्योंकि कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा शहर के नाम से पहले। गंगा आपकी रिवर है नदी है तो इससे पहले द आएगा आपका। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में मेरे नोट्स में जो इंग्लिश ग्रामर के नाम से मेरे नोट्स हैं बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है। दुनिया की हर ग्रामर में एक्सरसाइज तो काफ़ी मिल जाएगी दोस्तों,
पर आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन इतने इजी और सरल तरीके से नहीं मिलेंगे, जो मैंने आपको तीन चार वीडियो में कंसेप्ट क्लियर किया है। पहले वीडियो में मेरा अपने आर्टिकल्स की डेफिनेशन और एन आर्टिकल्स मैंने लिया था, दूसरे में ए को पढ़ाया, तीसरे में दा को, और लास्ट में अपन ने नन को कंप्लीट करते एक छोटी सी एक्सरसाइज ली है। इसके बाद आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जो देखोगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड होगा। एक एक टॉपिक अपन ग्रामर का क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।